चलिए जी आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सप्लाई का टॉपिक। ये जो सप्लाई का टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी, ये बैकबोन है जीएसटी की, ठीक है। ये आपके सीए इंटर में भी आता है चैप्टर, सीएस में भी आता है, सीडब्ल्यूए में भी आता है, हर जगह है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये वैसे तो प्योर थ्योरेटिकल बेस है, लेकिन इसका हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट देखेंगे। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी आई हैं, हम उस अमेंडमेंट को भी कवर अप करेंगे। तो सप्लाई अंडर जीएसटी ऐसा क्या है सर इस चैप्टर में? तो पहली चीज़ इसे समझिएगा, जब हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं, आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, जो सेक्शन 9 है वो बात करता है चार्जिंग सेक्शन की, कि भाई जीएसटी किस किस पे लगेगा, ठीक है ना। जब वो चार्जिंग सेक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है कि जीएसटी जो लगता है वो सप्लाई पर लगता है। किस पे लगता है जी? सप्लाई किस चीज़ की? गुड्स और सर्विस की। लेकिन अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये सप्लाई ही नहीं है तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? गुड्स है, सर्विस है, सब चीज़ है, लेकिन वो क्या नहीं है? सप्लाई ही नहीं है, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? आंसर इज नो। तो इसलिए इस चैप्टर को बैकबोन कहा जाता है जीएसटी की। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जीएसटी का, कि इसके बाद डिस्कशन ही खत्म। तो अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई एक व्यक्ति ने ये चीज करी, क्या ये सप्लाई है या नहीं? जैसे मैं दो चार एग्जाम्पल आपसे कर लेता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो बताओ वो सप्लाई है या नहीं है? सुभाष चंद्र बोस जी ने खून दिया था ना, बदले में आजादी मिली थी, ठीक है, तो क्या वो सप्लाई है या नहीं? दूसरा एग्जाम्पल, अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। हुआ क्या, मेरी वाइफ ने पूछा मेरे से, पता नहीं संडे को कहां जाते हो तैयार होके, आज मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। वो मेरे पीछे करते करते आ गई और क्लास में बैठ गई। अब मैंने तुम्हें भी पढ़ाया और तुमसे पैसे लिए, अपनी वाइफ को भी पढ़ाया लेकिन उनसे पैसे नहीं लिए। तो मैंने जो अपनी वाइफ को पढ़ाया, क्या वो सप्लाई है या नहीं है? ये क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, राइट। इस तरीके से मेट्रो स्टेशन पे सोनू गया, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे सोनू गया, सामने लड़की खड़ी है, ठीक है, ट्रेन कोई आ नहीं रही, लड़की ने स्माइल दी, सोनू खुश, ठीक है, लड़की ने बड़े बड़े पेज पे अपना नंबर लिखा कि ये मेरा नंबर है, सोनू और खुश। सोनू ने व्हाट्सएप पे बात करी, लड़की ने कहा प्लीज़ ट्रांसफ़र 10,000। अब लड़की ने स्माइल दी और सोनू ने 10,000 दिए, तो क्या ये सप्लाई है या नहीं है? क्वेश्चन हो सकता है या नहीं? क्या इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो सेक्शन है बड़ा बेसिक सेक्शन है। दूसरी चीज, मारुति की कंपनी ने गाड़ी बेची, जीएसटी लिया, सप्लाई है। शोरूम वाले ने तुम्हें बेची, तुमने जीएसटी दिया, सप्लाई है। तुमने क्या करा? तुमने अपने दोस्त को बेच दी, तो सप्लाई है या नहीं? तो लेते हो जीएसटी, कराते हो रजिस्ट्रेशन फिर, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस डेफिनेशन में है जो हमारे को समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये सप्लाई है या नहीं है, ठीक है ना। माँ ने अपने बेटे को दूध पिलाया, सप्लाई है या नहीं? जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? माँ ने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, जीएसटी लगेगा या नहीं लगा? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दिवाली पे गिफ्ट दिया, सप्लाई है या नहीं है? राइट, हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, शमशान घाट में तुम्हें जलाया जा रहा है, अरे शमशान घाट में जिस व्यक्ति को जलाया जा रहा है तो लकड़ी लगेगी नहीं लगेगी? देसी घी लगेगा या नहीं लगेगा? पंडित जी पैसे लेंगे या नहीं लेंगे? तो सप्लाई है या नहीं? सप्लाई है तो लो उससे, मुझे थोड़ी दिया सर्विस। सर्विस किसे दी? जो लेता है, राइट। तो वो सप्लाई है या नहीं है? ये सारे सवालों के जवाब किसके अंदर है?
सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई अंडर जीएसटी। कुछ सवालों के जवाब इन चैप्टर को पढ़े बिना आप कॉमन सेंस से दे सकते हो, लेकिन अगर आपको सही नॉलेज चाहिए तो ये चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा या नहीं। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे कि ये सप्लाई होगा या नहीं होगा। अच्छा, पहला तो तरीका यह है, पहले हमें यह सीखना है कि यह सप्लाई है या नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एडवांस लेवल का, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाओगे, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, तो हो सकता है कि आपके पास ओपिनियन लेने आए कई लोग कि भाई बताओ ये सप्लाई है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये सप्लाई नहीं लग रहा। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बता देता हूँ, भाई मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी इनकम साइड में चीज़ें आती हैं तो जीएसटी ऑफिसर मानता है कि ये सारी सप्लाई है, लेकिन क्या सारी चीज़ें सप्लाई हो सकती हैं? ये बड़े मुद्दे की बात है, क्योंकि अगर सप्लाई हो गई तो जीएसटी लग जाएगा। तो हमारे को क्या कोशिश करनी है, हम बचाएं कि ये सप्लाई ना है, और ऑफिसर क्या कोशिश करेगा कि ये सप्लाई बन जाए। और अगर तुम्हारे साथ भविष्य में कुछ ऐसा हो गया कि तुमने 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पीएनएल में क्रेडिट हो गए, अभी एक केस चल रहा है जीएसटी में किसी गेमिंग कंपनी का, तो उस पर अब तक की सबसे बड़ी डिमांड लगाई है जीएसटी ने, क्योंकि वो गेमिंग कंपनी कह रही थी मुझे तो लग रहा है कि सप्लाई है ही नहीं, और उसने 30,000 करोड़ रुपए ले लिए, कितने रुपए ले लिए मान लो, और जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा मुझे लग रहा है कि सप्लाई है, तो 30,000 करोड़ पे 28% लगा लो। तो यहां पर बिजनेस डूब भी सकता है इस एक क्वेश्चन से कि ये सप्लाई है या नहीं। इसी रहस्य को समझने के लिए हमारे को इसमें एक सेक्शन 7 पढ़ना, सेक्शन 1 ही है, और मजे की बात है रूल नहीं है, लेकिन रूल की कमी पूरी करी हुई है शेड्यूल्स ने। क्या करिए, इसमें कुछ शेड्यूल्स है जो आपको पढ़ने, 3 शेड्यूल्स है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट आई है वो पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको मजा आए, ठीक है, प्योर थ्योरेटिकल ना रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है, पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा फिर आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आईपीसीसी की एक बुक है सीए इंटर की, आप ये माध्यम है, आप कोई सी भी बुक लोगे लगभग सब में वही होगा 99%, ठीक है। तो क्या कहता है कि भाई सप्लाई क्या है, एक तरीके से टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई क्या है, टैक्सेबल इवेंट। अगर सप्लाई नहीं होगी तो कोई इवेंट ही नहीं, तो कोई जीएसटी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये जो कहता है कि भाई सप्लाई क्या है, तो अगर हम इसे पढ़ें तो पहली बात तो आपको समझना है सप्लाई गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि वो सप्लाई होनी चाहिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा फैमिली की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई लोगों को यहाँ पर फैमिली का मीनिंग नहीं समझ में आता, इन्होंने जीएसटी लॉ में फैमिली की डेफिनेशन बताई है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन गलत करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते कि सप्लाई है क्या भाई। तो सप्लाई जब स्टार्ट करेंगे, ये सारी डेफिनेशन है, तो मेनली हमारा कंसर्न आज का रहेगा सेक्शन 7 और ये 3 शेड्यूल। हमारी कोशिश ये रहेगी हम ये तीनों कर ले, फिर उसके बाद हम सेक्शन 8 पे कवर अप करेंगे। तो सेक्शन 7 क्या कहता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई की, मीनिंग क्या है सप्लाई का और स्कोप क्या है। जीएसटी ऑफिसर की नज़र में तो स्कोप क्या होगा, सब कुछ सोनू पर जीएसटी लगा दे रहे, वो लड़की ने स्माइल पास करी उस पर जीएसटी लगा दिया कि भाई तुमने स्माइल पास करी 10,000 रुपये ली। अब ऐसा भी तो हो सकता है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फीस ले रहा हूँ, अब आपने कहा सर एक गाना सुना दो, मैंने गाना सुना दिया, अब मेरा गाना इतना अच्छा तुम इतने मंत्रमुग्ध हो गए, किसी ने अपने जेब में से नोटों का भरा परस रख दिया, पैसे लुटाने लग गए मेरे ऊपर, किसी ने सोने की अंगूठी रख दी, सो सप्लाई है या नहीं, जानना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो कहता है कि स्कोप बताओ, तो जीएसटी ऑफिसर तो क्या कह रहा है, सब कुछ सप्लाई है, वो भगवान पे जीएसटी लगा रहा है, भगवान कह रहा मुझ पे क्यों लगा रहा भाई, तो जीएसटी कह रहा तुमने भी तो सप्लाई करा है, ठीक है, ये जो हवा पानी दे रहे हो तुम सब पे जीएसटी लग जाएगा, भगवान कह रहा भाई मुझे तो बकस। तो उन्होंने कहा सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं सप्लाई। तो ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स, क्या कहता है जी,
जब भी कोई डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू होती है, जब भी कोई डेफिनेशन किससे शुरू होती है, इंक्लूड से, खतरनाक है वो डेफिनेशन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सप्लाई जो तुम समझते हो वो तो है ही, हम आपको इंक्लूड्स बता रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। और जहां पर डेफिनेशन शुरू होती है मीन से, कहां से शुरू होती है, मीन से, तो मतलब क्या होता है कि भाई जो हम कह रहे हैं वही है। तो जब भी कभी इंक्लूड से शुरू डेफिनेशन होगी तो जीएसटी ऑफिसर कहेगा भाई मैं तो जो इसमें लिखा है वो तो सप्लाई है, बाकी चीजों को भी सप्लाई मानूंगा। लेकिन हम कहेंगे भाई इंक्लूड्स का मतलब ये नहीं होता सब कुछ इंक्लूड कर दोगे। तो क्या कहता है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल। अगर आपने सेल करा तो भी सप्लाई, अगर आपने ट्रांसफर करा, क्या करा जी आपने, ट्रांसफर। अब जैसे मैं बताता हूँ ट्रांसफर का एक एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे। मेरी दिल्ली में ब्रांच है, जीएसटी नंबर है मेरे पास, यूपी में भी मेरी ब्रांच है, जीएसटी नंबर है। अब हुआ क्या, मैंने चाइना से माल मंगाया तो मैं दिल्ली में ही मंगा लेता हूँ जर्नली, या चाइना वाले को बोलूँगा आधा दिल्ली आधा यूपी, जर्नली वो कहेगा यार एक ही जगह उतरवा ले, मैंने दिल्ली से। अब दिल्ली से इस माल को मैंने यूपी में बेचा नहीं भेजा, एक होता है बेचा और एक क्या होता है भेजा, क्योंकि मेरी ब्रांच है तो मैं उसे बेचूंगा थोड़ी, तो मैं क्या कर रहा हूँ भेज रहा हूँ। तो वो कह रहा भाई इसे भी सप्लाई मानेंगे, इसे भी क्या मानेंगे, तो सप्लाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं होता, साथ में क्या भी होता है, ट्रांसफर भी होता है। तीसरी चीज बाटर, जैसे ही बाटर आता है, अगर आज सुभाष चंद्र बोस होते नारा देते तो उन पर भी जीएसटी लग जाता कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिस इज ए बाटर सिस्टम, ठीक है, कि तुम खून मांग के आज़ादी दे रहे हो। अब ये बाटर सिस्टम क्या होता है, आज के टाइम पे भी चलता है, मैंने एक क्लाइंट के साथ करा हुआ है, बता दूं मैं आपको वो एग्जांपल। अब बताना जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। मैं अभी क्या हुआ, 3 महीने पहले मैं एक सैलून में गया, बॉम्बे सैलून नाम था उसका, ठीक है, उस सैलून में गया, शेविंग करते करते उसने कहा भाई साहब क्या काम करते हो तुम, मैंने कहा मैं तो जीएसटी का काम करता हूँ भाई, जीएसटी कंसल्टेंट हूँ। उसने कहा मेरी रिटर्न फाइल कर दोगे, मैंने कहा हाँ कर देंगे, ठीक है, पैसे लेंगे 5,000 रुपये महीना। उसने कहा अरे सर इतने कहाँ लगते हैं, मैंने कहा तुम मेरी सेविंग के कितने रुपए ले रहे हो, कह रहा 500 रुपये ले रहा हूँ, मैं कितने कहाँ लगते हैं, 50 में होती है क्या, मजाक कर रहे हो। तो इस सैलून वाले ने मेरे से क्या डील करा, ऐसा करना तुम मेरी जीएसटी रिटर्न भर देना और बदले में जितनी बार भी आओगे तुम, तुम्हारी सेविंग सेट कर दूंगा, कटिंग कर दूंगा, फेशियल मसाज संडे की क्लास से पहले कर दूंगा। मैंने कहा बढ़िया है, तो अब बताओ ये बाटर है या नहीं है। अब मैं उससे उसे समझा रहा हूँ सेक्शन 7 सप्लाई का, मैं कह रहा हूँ कि भाई तू एक काम कर, जो तेरा सैलून का बिल है तू जीएसटी रजिस्टर्ड है, अपना सैलून का बिल भेज मुझे 4,000+ में जीएसटी, और मैं तुझे अपनी जीएसटी रिटर्न का बिल भेजूंगा 5,000+ जीएसटी जो भी अमाउंट है। कह रहा करना क्यों है सर, करना क्यों है, बराबर पे जो वो कटिंग करा रहा था वो जीएसटी ऑफिसर था, वो कह रहा करना क्यों है, सेक्शन 7 से करना है। तो अगर आप कभी ये समझो कि कहीं पर तुमने बाटर सिस्टम कर दिया, क्या कर दिया, बाटर सिस्टम कर दिया। एक बच्चा आया मेरे पास, उसकी पापा की कोट पैंट की शॉप रेमंड्स की, मैंने कहा 5,500 रुपये फीस प्लस में जीएसटी लिया, कह रहा सर फीस वीस क्या ले लो मैं तुम्हें ले लाऊ कोट, तुम मुझे जीएसटी बढ़ाओ मैं तुम्हें कोट दूंगा। तो मैंने कहा नहीं भाई इस पे जीएसटी आ जाएगा। तो हमेशा अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में देखना, अगर कोई बाटर सिस्टम है, अगर क्या है जी कोई बाटर सिस्टम है तो तुम्हें लगेगा कि नहीं जीएसटी नहीं आना चाहिए, लेकिन उस पर भी जीएसटी आएगा। समझ आया बाटर सिस्टम का एग्जांपल। अगला इसके बाद क्या कहता है, एक्सचेंज, क्या कहता है जी, एक्सचेंज। अगर आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो उस पर भी जीएसटी आएगा, नया फोन दो पुराना फोन लो, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। तो अगर आपने कुछ एक्सचेंज करा,
कि नए फ़ोन के बदले पुराना फ़ोन 2 रुपये दे के 100 रुपये दे के, ठीक है, नई बीवी ले जाओ पुरानी बीवी दे जाओ, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा एक्सचेंज सिस्टम निकला, ठीक है, तो उस पर भी GST आएगा, ठीक है। लाइसेंस, क्या जी? लाइसेंस। अब क्या होता है, कई बार लाइसेंस दिया जाता है कि भाई ये एरिया आपका है, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करवा लेना, तो डेट इज़ क्या हो गया, लाइसेंस। तो सप्लाई के अंदर क्या आ रहा है, सेल भी आ रहा है, ट्रांसफ़र भी आ रहा है, बार्टर भी आ रहा है, एक्सचेंज भी आ रहा है, लाइसेंस भी आ रहा है, रेंटल, रेंट पे GST आती है, लीज और डिस्पोजेबल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अगर तुमने किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, वो भी माना जाएगा कि आपने सप्लाई किया है। लेकिन ये कह रहा है कि सप्लाई हम तभी मानेंगे जब कंसीडरेशन मिलेगा। जब क्या मिलेगा हमारे को? कंसीडरेशन मिलेगा बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहां पर समझना कि सप्लाई तभी बन रहा है जब उसमें दो बेसिक एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, कंसीडरेशन आ रहा है। लेकिन क्या ये पूरी सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ ली हमने या उसका भी एक लिंब पढ़ा है? ये सिर्फ हमने सेक्शन 7(1) का एक क्लोज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सिर्फ सेक्शन 7(1) का एक क्लोज पढ़ा है। सेक्शन 1 का एक क्लोज कहता है कि मेरे अंदर अगर आप सप्लाई बनाना चाहते हो तो आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपनी घर का TV बेच दिया, अपने घर का फ्रिज बेच दिया, पुराना सोना बेच दिया किसी ज्वेलर्स को जाकर, तो वो सप्लाई नहीं बनता है? वो सप्लाई नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बता सकते हैं मेरे को? क्योंकि यहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं आता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सप्लाई नहीं है तो ये किस वजह से सप्लाई नहीं है, ये भी बताना है। और अगर ये सप्लाई है तो किस लिंब में है सप्लाई। तो पहली चीज क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? हाँ, कि सप्लाई बनाने के लिए 7(1)A में, अभी हम आगे की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ 7(1)A में सप्लाई बनाने के लिए कंसीडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मैंने तुम्हें गाना सुनाया और तुमने खुश होकर मुझ पर नोटों की बारिश करी, क्या ये सप्लाई है? बोलो, कंसीडरेशन है। लेकिन क्या गाना सुनाना मेरा बिजनेस है क्या? क्या मैंने तुम्हें गाना इस वजह से सुनाया था कि तुम मुझे पैसों की बारिश करो? तो भाई गाना सुनाना मैंने ऐसे ही सुना दिया था, तो मेरी इंटेंशन जो थी, मेरे बैक ऑफ द माइंड में जो इंटेंशन थी, वो पैसा कमाना नहीं था। GST पढ़ाना, मैं GST पढ़ाता हूँ, तुम मुझे पैसे देते हो, क्या ये सप्लाई है? क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन भी है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। तुम अभी मुझे बोल दो कि सर एक बार डांस करके दिखा दो, 2 ठुमके लगा के, और उस पर तुम मुझे पैसे दे दो, तो वहाँ पर कंसीडरेशन तो है लेकिन क्या नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने एक पेंटिंग बनाई, 10 साल लगाए मैंने उस पेंटिंग को बनाने में, दिखाऊंगा तुम्हें, मेरे घर पे रखी है। मैंने एक पेंटिंग बनाई, 10 साल लगाए उस पेंटिंग को बनाने में, और जैसी वो पेंटिंग बनी 10 करोड़ में बिक गई, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है? अगर मैं पेंटर हूं और मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरी इंटेंशन क्या है, सेल करने की है, तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, राइट? लेकिन मैं तो ऐसे मजे मजे में पेंटिंग बना दी और वो बिक भी गई। पॉलिटिक्स में नहीं होता कि किसी ने पेंटिंग बनाई और कितने करोड़ में बिक गई, ठीक है ना? तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए बहुत बारीकी चाहिए। तो जब आपका केस असेसमेंट में होगा तब ये बारीकी पूछी जाएंगी। लेकिन अपने को एग्जाम पर्पज के लिए क्या याद करना है कि 7(1)A में सप्लाई बनाने के लिए कंसीडरेशन भी होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, ठीक है? आप किसे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं और क्या,
ये इन्होंने पहले लिंबे में बोला। दूसरे लिंबे में क्या बोला इन्होंने, बी में, किस में क्या बोला, बी में, ठीक है। ये थोड़ा सा अपर लेवल का है, फिर भी आप समझ जाओगे। आपको पता है मैं इंडिया में हूँ और मैंने चाइना से कोई माल मंगाया, कहाँ से मंगाया माल, चाइना से। जब मैं माल मंगाता हूँ तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। और इस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को हमारा जो कस्टम लॉ है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, उसमें हम टैकल कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा हमें जीएसटी में कोई पंगे लेने वाली बात नहीं है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है तो भाई अपना कस्टम वाले देख रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है जब हम वेबिनार करते हैं तो जूम की सर्विस लेते हैं, ठीक है ना। जब हम फेसबुक पे ऐड देते हैं तो कई बार हम, हो सकता है फेसबुक का जो ऑफिस सिंगापुर में है, जो ऑफिस उसका यूएस में है, वहां से सर्विस लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने कोई भी सर्विस ली और उसे क्या करा, इंपोर्ट करा, क्या करा जी, इसे क्या बोलेंगे, अगर मैं कोई जूम की सर्विस ले रहा हूँ या फेसबुक की ले रहा हूँ, क्या बोलेंगे हम इसे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्या बोलेंगे जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आपको पता है कि जर्नल लॉ क्या कहता है, जर्नल लॉ ये कहता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो जीएसटी पे करे। अब यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रही है, जूम, कौन कर रही है, फेसबुक। लेकिन क्या ये इंडिया में है, क्या ये इंडिया में नहीं है, मान लो। तो इन्होंने क्या बोला, लॉ में ये चीज लिख दी कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे फॉर ए कंसिडरेशन, क्या करोगे जी, फॉर ए कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कहता है अगर वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, अगर आपने किसी सर्विस को इंपोर्ट कर लिया और उसके बदले में कंसिडरेशन दिया, चाहे वो आपके बिजनेस में यूज हो या ना हो, वो सप्लाई मान ली जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है ना। विवेक की घर बन रहा है, विवेक का, ठीक है ना। विवेक अपना घर बना रहा है, सपनों का घर। तो ये कह रहा है जो मैं अपना घर बनाऊंगा उसमें जो आर्किटेक्चर होगा, आर्किटेक्ट को इसने हायर करा इटली से, और इटली के आर्किटेक्चर को 20 लाख रुपए दिए। कितने लाख रुपए दिए, अगर ये इंडिया के आर्किटेक्चर को हायर करता तो आर्किटेक्चर बिल भेजता 20+ GST का और ये दे देता। लेकिन चूंकि आर्किटेक्चर को हायर कराए कहाँ के, इटली के, अब आप ये बताओ इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है, क्या कंसीडरेशन दोगे या नहीं दोगे, कंसीडरेशन भी दोगे, क्या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, नहीं। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। तो बताओ क्या अब, क्या अब विवेक पे जीएसटी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्या ये सप्लाई हो गई या नहीं हो गई। अब विवेक कह रहा मैं क्यों दूंगा जीएसटी इटली वाले से, लो, इटली वाला कह रहा मैं तो आता ही नहीं तुम्हारे यहाँ जीएसटी देने, मैं तो यहीं से बैठे बैठे डिजाइन बना दिया। तो क्या इन लोगों को जीएसटी लेना आसान है या कठिन है, कठिन है तो फिर एंट्री में क्यों डाला, हटाई देनी चाहिए एंट्री, बोलो। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं हटाएंगे, अभी तो फिलहाल हम डाल देते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जीएसटी लगेगा, चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। लेकिन विवेक से जीएसटी लेना भी मुश्किल है। तो आगे चल के मैं तुम्हें एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सेक्शन 11 क्या लिखा है जी, सेक्शन 11 क्या कहता है, एग्जेम्पशन, क्या कहता है जी। तो कहती है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम चाहेंगे तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है विवेक से जीएसटी लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जूम की सर्विस भी हो सकती है, क्या हो सकती है सर, जूम की सर्विस हो सकती है, फेसबुक की सर्विस हो सकती है। तो इसलिए इसे सप्लाई की डेफिनेशन में रखना जरूरी है, जिससे कलेक्ट हो पाएगा वेल एंड गुड है, जिससे कलेक्ट नहीं हो पाएगा उसे क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो जब भी कभी आप ये बोलो कि सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जीएसटी लग गया फॉर ए कंसिडरेशन, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है घुमा के, तो आप ये कहोगे वैसे तो ये सप्लाई है एज पर सेक्शन 7(1)(b), बट इस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि सेक्शन 11 में एग्जेम्प्शन है, राइट। पॉइंट समझे या नहीं समझे, तो इतना आपके लिए क्लियर है या इससे और डिटेल में जाए, ठीक है, इतना पचा लोगे। अब आता है तीसरा, सी क्लोज। पहले इसने क्या बोला था, ए क्लोज में
कि कंसिडरेशन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दूसरे क्लोज में क्या बोला, सिर्फ कंसिडरेशन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं चाहिए। सी क्लोज में क्या कहता है, सी क्लोज में कहता है द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन, कि जो जो एक्टिविटी शेड्यूल वन में लिखी हुई है, जो जो एक्टिविटी शेड्यूल वन में लिखी हुई है वो सब सप्लाई मानी जाएगी, कंसिडरेशन हो या ना। सी क्लॉज में क्या कह रहा है कि पैसा हो या ना हो सप्लाई मानी जाएगी। अब बताना वो एग्जांपल, मैंने अपनी वाइफ को जीएसटी पढ़ाया, कंसिडरेशन नहीं था, वो सप्लाई अगर शेड्यूल वन में लिखी होगी तो होगी, लेकिन अभी ऊपर से नीचे तक पढ़ने में तो नहीं लग रहा ना, तो इसलिए सप्लाई चेक करने के लिए 71A भी देखना पड़ेगा, 71B भी देखना पड़ेगा और शेड्यूल वन भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर इस बात को समझ आई, ठीक है। मेरा ब्रदर है, वो जीएसटी नंबर लिया हुआ उसने जैन कलर कैंप के नाम से, उनकी रिटर्न मैं भरता हूँ, हमारी कंपनी भरती है फिनटेक्स मान लो। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, आप ये सोचोगे सर क्या दिक्कत है अगर जीएसटी लग भी जाएगा, आईटीसी ले लेंगे, आईटीसी के चैप्टर को पढ़कर आए हो आप लोग, लेकिन मेरा भाई क्या करता है, जो सेल करता है एग्जेम्प्ट सेल करता है, सारी क्या सेल होती है उसकी एग्जेम्प्ट। अब भाई देखो, भाई भाई है सारी चीज़ें, मैं कहता हूँ भाई पैसे तो तुम भी कमा रहे हो यार, 10 करोड़ की टर्नओवर है तुम्हारी, तो अगर मेरी टीम ने तुम्हारी जीएसटी रिटर्न भरी पूरे साल के 1 लाख रुपए तो दे दो। भाई कहता यार छोटे सुन, मैं तुझे पैसे तो देना चाहता हूँ लेकिन जब तू बिल बना कर देगा 1,18,000 का, ये मैं तुझे पे करूँगा, 18,000 तू किसे जमा कर देगा। मैं कहता हूँ भाई तू आईटीसी ले लो, कैसे कैसे ले लूँ, मेरी तो एग्जेम्प्ट है। तो भाई ये कहता है कि ऐसा कर, घर की बात है, तुझे 1 लाख रुपए चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, 1 लाख रुपए तुझे चाहिए मैं दे दूंगा, मेरी रिटर्न भर दे, ठीक है, घर में कैश में सेटल कर लेंगे। अब जीएसटी ऑफिसर का छापा पड़ा और उसने देखा कि मैं इन इनकी रिटर्न भर रहा हूँ, अब बताओ क्या ये सप्लाई बनेगा, अभी तक मैंने पैसे लिए ही नहीं उससे, अभी तक बनेगा, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कौन से क्लिम में बन रहा है, हाँ। लेकिन क्या पता अगर ये लिख दिया शेड्यूल वन में कि तुम पैसे लो या मत लो, लेकिन अगर अपने भाई को सर्विस दी तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई मानेंगे, तो फिर तो लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो अब बताओ क्या हमें शेड्यूल वन पढ़ना जरूरी हो गया, हाँ ये क्लियर हुआ शेड्यूल वन क्यों पढ़ना, क्यों, क्योंकि शेड्यूल वन कहता है सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं, गिनती की 4-5 ट्रांजेक्शन्स पर जीएसटी लगाएंगे, पैसे मत ना भी लो तब भी लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है तुमने पैसे जानबूझ के नहीं लिए, घर घर में सेटलमेंट कर लिए। तो मैंने कहा चलो ये 4 ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं फिर। तो इन्होंने जो वो 4 ट्रांजेक्शन्स बताई, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, जिस पर जीएसटी लगेगा शेड्यूल वन से। तो एक बार आप शेड्यूल वन की ट्रांजेक्शन्स को देख लो कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जिस पर जीएसटी आएगा शेड्यूल वन से। तो शेड्यूल वन ये आपके कोर्स में है और आपको पढ़ना है, ठीक है, सप्लाई के साथ इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी में क्या क्या पढ़ना है, तो सीजीएसटी एक्ट रेड विद शेड्यूल, 3 शेड्यूल है, लेकिन शेड्यूल वन क्या कहता है, एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या कहता है शेड्यूल वन, कि एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, कि ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं हम इन्हें सप्लाई मानेंगे, और एक बार अगर सप्लाई मान लिया तो जीएसटी लगेगा विदाउट कंसिडरेशन। मैंने कहा ऐसी कौन सी सप्लाई है जिन्हें आप मानोगे, उन्होंने कहा ध्यान से समझना, ज़्यादा सप्लाई की बात नहीं कर रहे, कितनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, 4 सप्लाई की बात कर रहे हैं, कि इन 4 सप्लाई पे जीएसटी लगेगा विदाउट कंसिडरेशन। अब होता क्या है, ये युगल है, ठीक है ना। अब मेरा मन हुआ कि मैं जा रहा हूँ लंदन, अब मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा, अब मैं एक दिन बैठ गया अपने ऑफिस में, मैंने कहा यार सब लोग आ जाओ, जिसे जो जो चाहिए मैं दे रहा हूँ सस्ते दामों में, ठीक है। तो
तो ये मेरा आईपैड था, मैंने 1.5 लाख रुपए का लिया था। कितने का लाख का लिया था? उस पर जीएसटी था 30,000 रुपए मान लो, उस पर जीएसटी था 30,000 रुपए। और मैंने कब खरीदा था? 1 जनवरी 2022 को, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। तो मैंने युगल से कहा, युगल खरीदेगा इसे? युगल ने कहा खरीद लूँगा ना। सर कितने का लोगा ना? 50,000 रुपये। इसने कहा ठीक है सर, 50,000 में मेरा होगा। अब जब मैंने इसे 50,000 का देने लगा, मैंने कहा जीएसटी भी लगेगा 9,000 रुपये। खैर सर जीएसटी नहीं दूंगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा कर फिर ना, तू इसे ना पेमेंट बैंक में मत करियो, मुझे ना कैश में कर दियो। ठीक है, मैंने कैश में ले ली और दुनिया को क्या दिखा दिया कि मैंने तो युगल को, युगल ने मेरी सेवा करी है, इतने साल कंपनी को दिया, तो मैंने युगल को ऐसे ही दे दिया, फ्री गिफ्ट दे दिया। जैसे भीष्म पितामह ने दिया था ना अपने अंगरक्षकों की, मेरा आखिरी युद्ध है, मैं मरने जा रहा हूँ, तुम ले जाओ मेरी ₹100। तो अब बताओ जीएसटी आएगा नहीं आएगा? हाँ, गवर्नमेंट कह रही है हमने तुझे आईपैड दिया, आईटीसी दिया, ये सोचकर तू इसे बिजनेस में यूज करेगा, और तूने आईटीसी लेते ही उस एसेट्स को क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? चाहे तूने फ्री में ही करा, फिर भी उस पर जीएसटी लगेगा। क्या कहता है क्लोज वन? कहता है परमानेंट ट्रांसफर। क्या लिखा है जी? टेम्परेरी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा। मैंने युगल को कैसे दिया था? ये परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। कि अगर आपने कोई भी परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल कर दिया, किसका? बिजनेस असेट्स का, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। उस असेट्स पे अगर आपने आईटीसी क्लेम करा हुआ है और आप उसे परमानेंट ट्रांसफर करते हो, तो फ्री में दो किसी को, तब भी क्या होगा बोलो? उसे सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी नवभारत टाइम्स अगर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, उसमें एक कॉलम आता है, उस कॉलम में आता है कि अगर आपका ख़राब मोबाइल है तो दो, उससे कोई बच्चा पढ़ लेगा। और आपको जीएसटी में आईटीसी चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर आपने कोई मोबाइल परचेज करा, कोई भी कैपिटल एसेट्स परचेज करी, 5 साल तक यूज़ करना है। तो हुआ क्या, मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने 5 साल पहले ख़रीदा था, 2017-18 में ख़रीदा था, आईटीसी ले लिया। अब 2022 में क्या वो मोबाइल यूज़ करने लायक होगा? उसके बटन दबाता हूँ, दबता ही नहीं है कुछ। लेकिन वो संस्था ही, उन्होंने कहा कि हमें दे दो ये मोबाइल, हमारे को क्या करना है, बच्चे को क्लास लगा के दे देनी है। मैंने वो संस्था को वो मोबाइल दे दिए, मेरे ऑफिस में 5 मोबाइल थे, मान लो मैंने वो दे दिए। अब बताओ जीएसटी आएगा? सप्लाई माना जाएगा? तो 7-1-A से नहीं बनता, 7-1-B से नहीं बनता, लेकिन 7-1-C से बनता है, क्योंकि आपने इस एसेट्स को परमानेंट डिस्पोज ऑफ करा जहां पर आपने आईटीसी लिया हुआ है। क्लियर है मेरी बात? यानी जहां पर आईटीसी नहीं लिया, गवर्नमेंट कहती अपने को कोई मतलब नहीं, फ्री में बांट दे। लेकिन जिस असेट्स पर तुमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करा है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं तो तुम क्या करोगे? पहले असेट्स का आईटीसी ले लोगे और बाद में क्या कहोगे कि भाई मैंने तो डिस्पोज ऑफ कर दी, परमानेंट दे दी। तो ध्यान रखना, अगर आपके ऑफिस के अंदर कैलकुलेटर भी है और तुमने गुस्से में फेंक दिया, या अमरूद बेचने वाले को दे दिया कि भाई अमरूद ले लो टूटे कैलकुलेटर से, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कल को कह सकती है कि ये क्या है? सप्लाई है, और उस पर जीएसटी ले सकते हैं, क्योंकि उस असेट्स पे तुमने क्या क्लेम कराए? आईटी। तो अच्छा, गवर्नमेंट का लॉजिक ठीक है या गलत है? गवर्नमेंट का लॉजिक ठीक है यार, हमने तुम्हें आईटीसी दिया, तुम फ्री में बांटे जा रहे हो। समझ आ गया पहला? क्लियर? 5 साल बाद करेंगे तो क्या जी? 5 साल बाद भी करोगे तो सप्लाई तो बनेगा, लेकिन जब मैं तुम्हें सप्लाई, यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सप्लाई है या नहीं है, तो सप्लाई तो बनेगा, लेकिन जब हम उसकी ये देखेंगे कि आईटीसी कितना रिवर्स करना है, या हमने 50 रुपये में बेचा, ट्रांजेक्शनल वैल्यू में बेचा, क्योंकि वैल्यू क्या लगेगी वो सेक्शन 15 बताएगा, लेकिन सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा ये सेक्शन 7 बता रहा है।
तो 7-1 का पहला क्लियर हुआ यानी शेड्यूल 1 की पहली एंट्री। तो शेड्यूल 1 में जितनी भी एंट्री है वो लॉजिकल है, समझ आया? क्योंकि अगर तुम ये एंट्री ना डालते तुम गवर्नमेंट की ना धज्जियां उड़ा देते, तुम असेट्स खरीदते जाते, ITC लेते जाते और फ्री में बांटते जाते। तो जब आप रिटर्न्स के चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर कैपिटल गुड्स को ना अलग से दिखाया जाता है GSTR 9 वगैरह में, ठीक है? इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं भाई ITC लिया है तो 5 साल लग, लेकिन 5 साल लगना इम्पॉसिबल है यार। किसी ने अपने मोबाइल को 5 साल तक रखा है संभाल के? बोलो, लैपटॉप आज की डेट में 5 साल तक रख रहे हो? पर पता नहीं गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा, मेरे हिसाब से तो इसे लॉ को चेंज होना चाहिए, लेकिन जो गलत है अपने को क्या कर सकते हैं। समझ आई कहानी या नहीं? तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी, कैपिटल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ मत कर देना, नहीं तो 5 साल बाद गवर्नमेंट आएगी कहेगी दिखा कैपिटल एसेट्स और तुम्हें मिलेगी नहीं, तो वो क्या मान लेगी? डिस्पोज ऑफ करी है विदाउट कंसिडरेशन करी है और सप्लाई मान लेगी, राइट? तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। GST से पहले भी हो सकते, ठीक है? अब ये कह रहे GST से पहले की, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? जो ITC लिया, जो तो हम ITC की बात कर रहे हैं, तो GST वाली ही बात कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब इन्होंने क्या बोला कि दिल्ली से UP माल बेच रहे हो और तुम्हारी ब्रांच है, क्या है? भेजा, क्या बात बोली? बेचा नहीं, भेजा। तो जब हमने भेजा वाली बात करी तो वहां पर सेक्शन 7(1)(a) में GST नहीं आया, क्योंकि कंसिडरेशन था। अब एक ब्रांच जब दूसरी ब्रांच को भेजती है तो कंसिडरेशन लेती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करते बैंक में जाके कहते हो फिनटेक्स के पैसे फिनटेक्स में डाल दे, बैंक वाला कहे क्या करा रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि 7(1)(a) में आप पे GST नहीं आएगा, ठीक है? बी में भी नहीं आएगा, लेकिन शेड्यूल 1 में कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, कि अगर तुमने कोई भी गुड्स और सर्विस दी रिलेटेड पर्सन को, किसे दी? रिलेटेड पर्सन को। अब आप पूछोगे सर ये रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? तो सेक्शन 15 में बताया गया है कि रिलेटेड पर्सन कौन है, उसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है अगर तुमने कोई भी गुड्स और सर्विस दी, जो मेरी वाइफ है जो GST पढ़ रही है वैट के, अब बताओ GST आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अगर वो क्या निकल गई मेरी? रिलेटेड पर्सन निकल गई तो GST आ जाएगा। तो कहता सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या बोला जी? अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, याद करो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, जब मैं रजिस्ट्रेशन तुम्हें पढ़ा रहा था वहां पर मैं दो चीज बताता था 25(4) और 25(5), जिसमें मैं तुम्हें बताता था कि अगर एक ब्रांच दिल्ली में है और एक ब्रांच यूपी में है तो कपिल जैन कभी कपिल जैन का रिलेटेड नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे क्या बोला, नाम दिया डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या दिया है? तो अगर दिल्ली की ब्रांच यूपी की ब्रांच को भी माल भेज रही है वो किस में कवर हो जा रही है? डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 और विदाउट कंसिडरेशन भी GST आ रहा है। मैं अपनी वाइफ को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं भाई साहब कहीं रेस्टोरेंट में होता हूं, कहीं बाहर होता हूं, मैं कहता हूं GST का क्वेश्चन मत पूछिए। कहती क्यों ना पूछे GST का क्वेश्चन? रेस्टोरेंट में मेरे साथ एक दिन हंगामा हो गया। हुआ क्या, मेरे पास एक GST ऑफिसर का फोन आया, उसने कहा सर मेरा ना ये सवाल है इसका जवाब दे दो फोन पे। मैंने कहा 1,00,000 रुपये फीस लगेगी प्लस में GST, और गुस्सा आ गया। अब हुआ क्या, अगले दिन मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपनी वाइफ के साथ खाना खा रहा, कह रही मेरी वाइफ ने कहा मैंने एक अपील फाइल कर रही थी GST में, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तुम बताना ये क्या है। मैंने बता दिया उसे, मैंने कहा इसमें ना ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वाइफ को बता दी, वो भी खुश मैं भी खुश। अगले दिन मेरे पर नोटिस आ गया, कह रहा कपिल जैन तुमने सप्लाई करी है। मैंने कहा कहाँ करी सप्लाई? उसने पता नहीं क्या कैमरे की रिकॉर्डिंग थी लगा के दे दी, कह रहा देखो तुम अपनी वाइफ को यहाँ पर क्या दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, और वही कंसल्टेंसी दे रहे हो जो पहले मैंने मांगी थी, और कितने 1,00,000 रुपये मांग रहे थे तुम? तो ये जो आपने कंसल्टेंसी दी है, मैंने कहा कंसिडरेशन तो आया ही नहीं। कह रहे कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में आता कहा है? तुमने क्या करा सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन,
बोलो सप्लाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो भाई रिलेटेड पर्सन को कभी भी कोई सप्लाई मत देना। अगर आपने रिलेटेड पर्सन को कोई सप्लाई दी विदाउट कंसिडरेशन दी तो भी उस पर GST आ जाएगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन वो होना क्या चाहिए? मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कह रहा तुम्हारा तो बिजनेस ही यही है कंसल्टेंसी का, तो तुम अगर बिजनेस कंसल्टेंसी की बात करोगे तो बात आ जाएगी। ठीक है, एक बार हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ ले क्या? बोलो जी। ठीक है, तो रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन होती है, हालांकि सारी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में है, लेकिन रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो किसके अंदर लिखी हुई है भाई? सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में कहता है ए रिलेटेड पर्सन, ए पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड ए रिलेटेड पर्सन, लाइक मेंबर ऑफ सेम फैमिली, सी डेफिनेशन ऑफ फैमिली अंडर रेलिवेंट डेफिनेशन, और सब्सिडरी ऑफ ए ग्रुप कंपनी अंडर GST लॉ। ठीक है ना, द टर्म रिलेटेड पर्सन हैज बीन डिफाइन इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो उसमें डेफिनेशन में है। तो अब बताओ युगल और मैं रिलेटेड पर्सन है या नहीं है? युगल हमारी कंपनी में जॉब करता है, बोलो रिलेटेड पर्सन है या नहीं है? ठीक है, सच पर्सन एज मेंबर ऑफ सेम फैमिली। तो ये रिलेटेड पर्सन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और आपको देखना कि अगर रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करी तो बोलो क्या हो जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं जो है ना जॉब कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ? रेमंड के शोरूम में। कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, मैं रेमंड के शोरूम में जॉब कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, मैंने अब की बार पूछा मालिक क्या इनाम दोगे दिवाली पे? मालिक ने कहा सोचते हैं क्या देंगे। मालिक रेमंड का कोट पैंट बेच रहे थे 10,000 रुपये का। वो कह रहे यार इस बार मैं सोच रहा हूँ सारे स्टाफ को ना एक रेमंड का सूट ही दे दो दिवाली पे। अब मालिक ने क्या करा, रेमंड के मालिक ने क्या करा, अपने हर स्टाफ को कितने का सूट दे दिया? 10,000 रुपये का सूट गिफ्ट कर दिया। अब ये जो सूट गिफ्ट करा, अब बताओ ये सप्लाई होगा या नहीं होगा? दिवाली पे गिफ्ट दे दिए, बोलो जी सप्लाई होगा या नहीं होगा? बोलो। अगर अभी तक जितना पढ़ा था उसके हिसाब से तो हो गई, कंसीडरेशन नहीं भी हो लेकिन रिलेटेड को दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा यार ऐसा तो होता ही है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, तो इन्होंने कहा एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो आप उसे सप्लाई मत मानो। मैंने कहा रिलेटेड पर्सन है मानना पड़ेगा। कह रहे रिलेटेड पर्सन है ठीक है लेकिन मत मानो। अब मैंने कहा मत मानो। अब होता क्या, अब जो भी कस्टमर आता रेमंड वाला क्या करता, उसके नाम पर बिल्ला बना के अपने एम्प्लॉय के नाम पर घर बना देता, और एक एम्प्लॉई के नाम पर उसने कितने सूट के बिल काट दिए? 10,00,000 के। गवर्नमेंट से कह रहा तुमने ही तो बोला था ठीक है कि भाई अपने एम्प्लॉई को दे दो। तो गवर्नमेंट को पता है कि ये ऐसी मक्कारी भी ना करे, और गवर्नमेंट को ये भी लगता है कि लॉजिकल हर साल गिफ्ट दे सकता है, तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा कि प्रोवाइडेड डैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। कि अगर आप अपने एम्प्लॉई को कोई गिफ्ट दे रहे हो, और गिफ्ट क्या होता है, बार बार नहीं होता कि 365 दिन गिफ्ट चल रहा है, ठीक है, गिफ्ट क्या हो गया कि कभी कभार आपने दे दिया, तो कहता है कि अगर आपने कोई गिफ्ट दिया और उसकी वैल्यू कितने रुपए से ज़्यादा नहीं है, 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है इन ए फाइनेंशियल ईयर, बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो मतलब कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कितने रुपये तक का गिफ्ट दे सकता है? 50,000 तक दे सकता है, लेकिन वो क्या नहीं माना जाएगा? सप्लाई नहीं माना जाएगा। यह नहीं है कि वो उसका भी बिल मांगे। ऐसा हो सकता है या नहीं कि जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं वहाँ से कुछ गुड्स ले लो? तो सेकंड लिम क्लियर हुआ। सेकंड लिम में एक क्वेश्चन मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है?
मेरे भाई का बिजनेस था जैन कलर कैंप, मेरी फिनटेक्स कंपनी थी, तो 1,00,000 रुपए का बिल था, लेकिन मैंने बिल नहीं दिया, पैसे ले लिए ऐसे ही कैश में, ठीक है। ऐसे हमने जब जीएसटी का छापा पड़ा तो मैंने लिखा हुआ था 1,00,000 रुपए जीएसटी की फीस आई भाई से मान लो, और बिल बिल दिया नहीं था मैंने, ठीक है। अब बताओ वो सेक्शन 7 से सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो शेड्यूल 1 से सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा, कौन से लिम से बनना है, रिलेटेड पर्सन, क्या लिखा जी, तो मैंने अभी तुम्हें रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई, उसमें कहां पर आ रहा हूं मैं, तो हम मैं और मेरा ब्रदर सेम फैमिली है, उसके पापा भी वही, मेरे पापा भी वही, उसकी मम्मी भी वही, मेरी मम्मी भी वही, तो हम सेम फैमिली है, हाँ, कॉमन मैन तो यही सोचेगा। जीएसटी ने कहा नहीं नहीं फैमिली का मतलब वही जो आज की डेट में है सच में, तो मैंने कहा क्या है फैमिली का मतलब, कह रहा सुनो, जीएसटी ने सच में फैमिली का मतलब सिखाया तुम्हें, और इस फैमिली की डेफिनेशन को याद कर लेना, आज की डेट में यही फैमिली है, हाँ, किसे किसे फैमिली मानते हो, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, उसे ही मानते हो, और अगर मदर फादर तुम पे डिपेंडेंट है तो उन्हें फैमिली मान लेते हो तुम, इसके अलावा भाई को मानते हो क्या फैमिली, हैं, तो इन्होंने कहा अपन भी उसे ही मानेंगे, तो फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, कि फैमिली का मतलब कौन है, मियाँ बीवी बच्चे और कोई नहीं, उधर से बुजुर्ग माँ बाप आ रहे, कह रहे हम तो तुम पे डिपेंडेंट है, हम तो फैमिली है, उसने कहा अच्छा ठीक है, कहता एंड द पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ए पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सैड पर्सन, तो मेरा भाई मेरे पे डिपेंडेंट है क्या, तो क्या वो मेरी फैमिली हुआ, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में, और तुम भावनाओं में बह जाओगे कि मेरा भाई मेरी फैमिली, लेकिन वो तुम्हारी फैमिली क्योंकि वो दोनों आप दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो फैमिली में कौन है, मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ स्पाउस, ठीक है, और फादर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन कब, जब वो क्या हो, डिपेंडेंट हो। तो अगर मैं अपने भाई को फ्री में भी कुछ कर दूँ और वो इंडिपेंडेंट है, कंसिडरेशन में नहीं लेता, तो सप्लाई बनेगा क्या, हाँ नहीं बनेगा भाई, तुम्हें पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, तुम फिर बोलते हो 16 दुनिया 8। मैंने भी क्या बोला कि सप्लाई बनने के लिए फैमिली होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, जब वो रिलेटेड ही नहीं है मेरा तो क्या वो सप्लाई आएगा, बोलो समझ आई कहानी या नहीं आई, बताओ भाई शेड्यूल 1 की वाली एंट्री क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ ठीक है। तो पहली शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन में क्या चीज़ आ रही है, अगर आपने कोई परमानेंट असेट्स को डिस्पोज ऑफ करा और जिस पे ITC लिया है, दूसरी क्या रही है, रिलेटेड पर्सन, ठीक है, और डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन आपको क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। रिलेटेड पर्सन में क्या हो रहा है कि एक तो एम्प्लॉय वाला आ रहा है कि रिलेटेड पर्सन में हमेशा सप्लाई माना जाएगा, वाइफ वाला एग्जांपल मान लो वो सप्लाई माना जाएगा, लेकिन ब्रदर वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि ब्रदर इंडिपेंडेंट है। एम्प्लॉय वाला वैसे तो सप्लाई माना जाएगा, लेकिन 50,000 तक गिफ्ट देंगे तो नहीं माना। और अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सप्लाई है या नहीं, बस राइट, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब तीसरा क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ सर्विस नहीं है, ऊपर वाले में क्या था, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस था, पहले वाले में क्या था, बिजनेस असेट्स था, यहाँ पे क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, किसकी बात कर रहा है जी, सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या कहता है, आपको पता होगा कि एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है, ठीक है ना, एजेंट बना देते हैं ना लोग बाग, तो कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजता है, एजेंट प्रिंसिपल को माल भेजता है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम तो माल भेज रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हैं, क्या कहते रहते हैं,
कि माल भेज रहे हैं, बेच थोड़ी रहे, जब बिकेगा तब की तब देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, कैसे, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, कि आपने अपना एजेंट बना रखा है कि वो माल सेल करेगा, और अगर आपने उसे भेज भी दिए तो भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे, चाहे पैसा आए या ना आए। क्योंकि होता क्या था, बहुत लोग ना ऐसी गंदी प्रैक्टिस करते थे कि माल अपनी पार्टी को सेल करते थे, लेकिन उसे क्या बना देते थे, एजेंट, कि साहब ये तो हमारा एजेंट है और हमने 50 करोड़ का माल अभी से क्या करा, भेजा है, बेचा नहीं है। एजेंट बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल एक लेटर हेड पे बना देना एजेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल भेजता है या कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल को माल देता है तो माल भेजेगा तब भी उसे हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, चाहे पैसा आए या ना आए। क्लियर हो गई कहानी या नहीं होगी, तीनों केस क्लियर है, बोलो जी। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम डी पे, ये लास्ट लिम्ब, ठीक है। अब क्या हुआ, दोबारा एग्जांपल ले रहा हूँ भाई का, आपकी बार कंफ्यूज मत करना भाई वाले में। हुआ क्या, मैंने एलएलबी कर ली और एलएलबी करके मैं चला गया लंदन, और लंदन में मैं बन गया बहुत बड़ा एडवोकेट, और मेरा भाई कहाँ पर है, मेरे को दो फोन कॉल आती है, एक तो मेरे ब्रदर की आती है और एक मेरे बेटे की आती है, ठीक है। और मैं कहाँ पर हूँ, लंदन में बैठा हुआ, मैं फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा हूँ। इस फ़ोन कॉल से आपको एक क्लोज समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले आई मेरे ब्रदर की कॉल, मेरे ब्रदर ने मेरे को ये बोला, भाई ऐसा है आजकल ना यार, फैमिली में बड़ी दिक्कत चल रही है, ठीक है, तेरी भाभी नाराज़ रहती है तो डाइवोर्स की बात चल रही है, फ़ोन कॉल पे बात हो रही है, मैं उन्हें सलाह दिए जा रहा कि तुम समझाओ ये सब चीज़ें बेकार है, डाइवोर्स वाइवोर्स में कुछ नहीं रखा। वो कहता चल भाई ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने कहा यार एक ना जीएसटी का मैटर भी आ रहा है, जीएसटी में एक डिमांड आई थी। मैं कहता भाई रुक जा, अभी रुक जा, बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरी कॉल कौन सुन रहा है, जीएसटी ऑफिसर की। सर क्या बात हुई, अभी डाइवोर्स की बात थी, उसकी सलाह दी, लेकिन जीएसटी की बात आते ही फ़ोन क्यों काट दिया। मैंने कहा बताऊंगा फ़ोन क्यों काटा, ये मैंने फोर क्लोज पढ़ा था, फोर क्लोज पढ़ना मेरे ब्रदर के एंगल से, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, क्या लिखा है जी, फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अब ये फ़ोन कॉल मेरे बेटे से सुन लो, मेरा बेटा मुझे लंदन में फ़ोन कर रहा है, कह रहा है पापा, ठीक है ना, कोई लड़की का मैटर वैटर फंस गया है, ठीक है। तो मैंने अपने होने वाले ससुर को थोड़ा सा डांट वाट दिया है, अब वो मुझे धमकी वमकी दे रहे हैं। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँ, तू टेंशन मत ले। फिर ये कह रहा है पापा वो जीएसटी का भी एक मैटर फंस गया है। मैंने इसे भी कहा रुक जा बेटा, क्यों, अब मेरे बेटे के एंगल से उस कॉल को समझो, मेरा बेटा जीएसटी में रजिस्टर्ड और वो क्या कर रहा है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, तो मेरा बेटा और मैं रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया था कि बेटा तो जो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो वो मेरा रिलेटेड, और फ्रॉम एनी ऑफिस, ठीक है, और फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मेरा बेटा कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए मेरे से कॉल कर रहा है तो वो सप्लाई बन जाएगा और मेरे बेटे पे जीएसटी लग जाएगा, लेकिन अगर पर्सनल टॉक कर रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेम एंगल मेरे ब्रदर का, अगर मेरा ब्रदर रिलेटेड है, लेकिन इस वाले केस में तो क्या है, वो रिलेटेड नहीं है, तो क्या जीएसटी लगेगा उस पर, क्या डी क्लोज में लगेगा इसमें, बोलो जी, समझ आ गई वाली, ये वाली। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी अगर कोई करेगा, अब आप कहोगे सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो बाहर भी पड़ा था, अरे भाई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो बाहर पड़ा था वहाँ पे कंसीडरेशन था, समझ में आई मेरा एंगल, जो मैंने विवेक बंसल का एग्जांपल दिया था कि कंसीडरेशन, यहाँ पर क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है,
तो कह रहा है अगर बिजनेस पर्पज है तो लेंगे, और रिलेटेड पर्सन से साथ में क्या है, रिलेटेड पर्सन से है, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूँ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। तुम्हारे घर में एलजी का टीवी है, एलजी कहाँ की कंपनी है, हाँ कोरिया वोरिया की होगी, मान लो कोरिया की है, क्या हो गया। अब हुआ क्या, एलजी का एक प्लांट था नोएडा में, अब उसमें क्या हुआ, एक दिन मोदी जी चले गए, सच्ची घटनाओं पे आधारित बता रहा हूँ मैं। एलजी नोएडा प्लांट में जैसे ही मोदी जी आए, घूम के बाहर आए, उसके बाद जिस जो भी एलजी कंपनी ने टीवी बेचे तो टीवी ऑन होते ही मोदी जी आ जाते थे सामने। कौन आ जाते थे, मोदी जी आ जाते थे। अब भाई किसी कांग्रेस वाले ने टीवी खरीद लिया, वो जैसे ही टीवी ऑन करे मोदी जी आ गए। अब एलजी की सेल इंपैक्ट हो गई भाई साहब, एलजी कह रहा भाई ये क्या हो गया यार, पता नहीं क्या फॉल्ट आ गया, टीवी ऑन करते ही मोदी जी आ जाते। अब एलजी नोएडा को पता ही नहीं चल रहा ये क्या फॉल्ट है। तो एलजी नोएडा ने क्या काम करा, एलजी नोएडा ने एलजी कोरिया को फ़ोन करा, किसे फ़ोन करा, कोरिया, क्योंकि भाई बड़ी कंपनी भैया। उसने कहा भाई साहब हमारे प्लांट में फॉल्ट आ रहा है, तो उसने कहा देखो भाई तुम अपने ऑपरेशन खुद संभालो, तुमने मोदी जी को बुलाया हम क्या करें, ठीक है ना, तुमने बुलाया हम क्या करें। कह रहे भाई साहब आके देखो तो सही। उसने कहा अगर हम आके देखेंगे तो 10 लाख रुपए लेंगे, कितने लाख रुपए लेंगे। अब कोरिया से कोई व्यक्ति आया, उसने देखा मोदी जी आए तो उसने कहा हाँ, उसने कहा फैक्ट्री की सफाई कराओ बढ़िया से, ठीक है ना, फैक्ट्री की सफाई करो, ठीक है ना, झाड़ फूँक करवाई और फिर गंगा जल वगैरह से छिड़काव कराया कि चलो भाई अब मोदी जी नहीं आ रहे इसमें, ठीक है, कुछ भी फॉल्ट पकड़ा मतलब, और ख़त्म करा दिया कि मोदी जी कोई चिप लगा गए थे प्लांट में, निकलवा दी, ठीक है। तो इस बात के कितने रुपए लिए उन्होंने, 10 लाख। अब बताओ क्या डी क्लोज जो हम पढ़ रही है फोर्थ लिम, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, क्या लिखा है जी, एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं। एल जी नोएडा किससे सर्विस ले रही है, कोरिया से, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि शेड्यूल वन में कौन कौन सी सप्लाई आएगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 7 बताया है, लेकिन सेक्शन 7 पूरा ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 7 में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेक्शन 7 में कितनी चीज़ पढ़ी, ए बी सी, कितनी पढ़ी, और हमने ये पढ़ा कि इसमें क्या क्या सप्लाई है। अब इसमें अमेंडमेंट पढ़ लो। अरे सर अभी तो यही ख़त्म नहीं हुआ, अमेंडमेंट क्यों पढ़ा रहे हो भाई, अमेंडमेंट पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में अमेंडमेंट आई है। तो क्या क्या अमेंडमेंट आई है, ठीक है, ज़रा वो बता दूँ आपको। तो फाइनेंस एक्ट 2021 से इसमें अमेंडमेंट आई है, ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है ये रेस्ट्रोपेक्टिव है, क्या है जी, रेस्ट्रोपेक्टिव, पुरानी 1 जुलाई 2017 से है। तो जैसा कि सेक्शन 7(1) में हमने पढ़ा ए बी सी, कितनी क्लोज पढ़ी, 3 क्लोज, इन्होंने कहा, ठीक है ना, एक नई क्लोज और इंसर्ट कर रहे, कौन सी क्लोज इंसर्ट कर रहे हैं, एक डबल ए नई क्लोज इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नई क्लोज हम इंसर्ट कर रहे हैं इसे ऐसा माना जाए कि ये क्लोज आज से नहीं डाल रहे, डाली तो इन्होंने कब से, फाइनेंस एक्ट 2021 से, लेकिन क्या कह रहे हैं कि आप ये मान लो कि ये कब से है, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, दिस इंक्लूड्स अ फॉलोइंग एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है ना जी, कि भाई ये वाली ट्रांजेक्शन्स को भी आप सप्लाई के दायरे में लेकर आओ। ये क्लोज किस में डाली है, डबल ए में, किस में डाली है जी, डबल ए में। तो जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7(1)AA, क्या आ जाएगा, 7(1)AA। तो पढ़ा दूँ ये वाली क्लोज भी आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकती है आपके,
हाँ जी चलो ये वाली भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये क्या कहती है वाली क्लोज, और जो भी अमेंडमेंट होगी मैं साथ के साथ आपको पढ़ा दूंगा। ये वाली क्लोज क्या कहती है, ए न्यू क्लोज डबल ए हैज बीन इंसर्टेड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, ठीक है, रेस्ट्रोपेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। किसे कर रहा है, कहता है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, कह रहा है इंडिविजुअल को छोड़ के अगर कोई भी एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन है टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। समझ आया, नहीं आएगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही नहीं बताया, कहानी नहीं बताई। इस चैप्टर में कहानी सुनना जरूरी है, ठीक है। तुमने कई बार क्या देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक क्लब बना लेते हैं, लॉयन क्लब, टाइगर क्लब बना लेते हैं, यानी उन लॉयन क्लब टाइगर क्लब को बनाने का पर्पज होता क्या है, कि भाई सब लोग 10,000 रुपये देंगे, मेंबर बन जाएंगे, फिर एक क्लब खरीद लेंगे, उसी में मेंबर आएगा, पार्टी करेगा, तो काम खत्म, हर महीने वो कुछ ना कुछ पैसे देता रहेगा, ठीक है। तो पहले इस वाली चीज़ों पे बड़ा डिस्प्यूट था कि इसे सप्लाई माना जाए या नहीं माना जाए, इन्होंने कहा नहीं भाई हम सप्लाई मानेंगे। तो क्या लिखा, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। तो जब ये क्लब बनता है तो ये या तो किसी चीज़ में रजिस्टर करते हैं, म्यूचुअल कंसर्न सारी चीज़ों में, ठीक है ना, अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर। सर्विस और गुड्स और सर्विस किसे दे रहे हैं ये लोग, मेंबर को दे रहे हैं कि भाई तुम आओ ड्रिंक व्रिंक लो, या तुम्हारी फैमिली का फंक्शन है तो ही फंक्शन कर सकते हो, अपने दोस्त को ला सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स को ला सकते हो, ऐसा होता है ना। गए हो कभी किसी क्लब वगैरह में, हाँ, तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि वो अपने मेंबर को ही सर्विस देते हैं या उन्हें सर्विस देते हैं जो कि उसकी फॉर्मेशन में थे, और वाइस वर्सा। और कई बार क्या होता है, क्लब जो होता है अपने मेंबर को देता है और कई बार मेंबर अपने क्लब को देते हैं, किसके बदले में कैश लेते हैं, डेफर्ड पेमेंट लेते हैं और कुछ भी कंसिडरेशन लेते हैं। तो कहते हैं ऐसी चीज़ें भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। तो ये एक अमेंडमेंट किसके अंदर आई है, 7(1) में, किस में आई है, 7(1) में एक नई क्लोज इंसर्ट हुई है डबल ए करके, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ भी ले, हो सकता है तुम्हें बच्चा समझ के अभी छोड़ भी दे, लेकिन ये वाली अमेंडमेंट जरूर याद रख लेना। तो क्लियर हुआ 7(1) सप्लाई है या नहीं है, बोलो जी। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है 1A, तो 1A भी क्या हुआ, क्या नया सेक्शन है या पुराना है, पुराना नहीं है, नया है बेटा। मैंने क्या बोला था, जिसके आगे ABCD लग जाए वो नए। तो पहले क्या होता था, ठीक है ना, पहले क्या होता था, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन थी। 7(1) ने ये तो बता दिया कि ये सप्लाई है, क्या है ये चीज़, तो बता दिया कि ये सप्लाई है, लेकिन तुमने टैक्स इनवॉइस के चैप्टर पढ़े, उसमें ये पढ़ा होगा कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस ऐसे बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टैक्स इनवॉइस इतने दिनों के बीच में बनेगा। पढ़ा या नहीं पढ़ा कि गुड्स के केस में इनवॉइस अलग बनता है, सर्विस के केस में अलग बनता है, फॉर्मेट अलग होते हैं, कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज अलग होती है। अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ोगे, जब सेक्शन उसके अंदर 12-13 जब पढ़ोगे, तो कहता है गुड्स के केस में अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, सर्विस के केस में अलग। तो इन्होंने कहा कि भाई तुमने अभी तक क्या काम करा है, सिर्फ एक घंटे में तुमने सिर्फ ये काम करा है कि ये पता लगाया कि ये सप्लाई है या नहीं, लेकिन तुमने ये पता नहीं लगाया कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, या ये पता लगाया है अभी तो क्या पता लगाया। और अगर हम ये कह दें कि ये सप्लाई नहीं है, लेकिन ये बताओ कि ये गुड्स की है सर्विस की, तो क्या ये क्वेश्चन इरेलीवेंट नहीं हो जाएगा। वो कहता है कि कोई चीज़ गुड्स है या सर्विस है, कि वो सप्लाई गुड्स की है सर्विस की है, तभी निकालना जब तुम पहले ये निकाल लो कि ये सप्लाई है। और अगर कोई चीज़ सप्लाई ही नहीं है तो क्यों दिमाग लगाना कि वो गुड्स है या सर्विस है। तो क्या कहता है वने, कहता है वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन, कि सबसेक्शन वन से ये हम निष्कर्ष पर पहुंच गए कि वो सप्लाई है, दे शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड इन शेड्यूल टू। कहता तब आप शेड्यूल टू में चेक करने आना कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आई ये वाली कहानी या नहीं आई बोलो? तो 7-1-A की क्लियरिटी आ गई आपको कि 7-1-A ने क्या बोला, हाँ कि भाई अगर आपको ये चेक करना है कि गुड्स है सर्विस, तो अभी हम शेड्यूल टू पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम इस सेक्शन 7 को कंप्लीट कर लें। कहता है नॉट विद एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 1। अब और की मजे की बात सुन लो, अभी सेक्शन 1 से क्या समझ कर आए थे कि ये सप्लाई है, लेकिन कह रहा है कि ओवर रूल कर दो इसे। कहता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शन जो इस शेड्यूल 3 में लिख दी, किसमें लिख दी, शेड्यूल 3 में अगर हमने वो लिख दी क्या चीज एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शन, शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। कहता है कि शेड्यूल 3 इज अ नेगेटिव लिस्ट, क्या लिखा है जिसने एक तरीके से, शेड्यूल 3 क्या है एक, अगर शेड्यूल 3 में कुछ भी लिखा हुआ है वो सप्लाई बनेगा ही नहीं, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, इट मीन्स उस पर कभी भी जीएसटी। मैं कह रहा हूँ सेक्शन 7 से सप्लाई बन रहा है, शमशान घाट में पंडित जी ने मुर्दे को जलाया और कहा 501 रुपये निकाल, तो सप्लाई तो है क्योंकि पंडित जी ने अपनी सर्विस, लेकिन शेड्यूल 3 ने लिख दिया नहीं भाई साहब मुर्दे को रोक लो, मुर्दे से जीएसटी नहीं लेंगे, इसलिए उस ट्रांजैक्शन को किसमें लिखा गया, शेड्यूल 3 में। एक व्यक्ति गया हॉस्पिटल के अंदर अपनी हार्ट की सर्जरी कराने, अपनी किसकी सर्जरी कराने, हार्ट की सर्जरी कराने गया, 5 लाख का बिल आया, 5 लाख के ऊपर जीएसटी तो नहीं लगता है क्योंकि हार्ट की सर्जरी में जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्या है, एग्जेम्प्ट है सेक्शन 11 में। उसने सोचा कि एडमिट तो हो ही रहा हूँ, मेरी नाक हल्की सी टेढ़ी है इसे सीधी भी करा लेता हूँ, डॉक्टर से कहने लगा कि मेरी नाक सीधी कर दो, हल्की सी टेढ़ी है, डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपये लगेंगे, उसने कोई बात नहीं कर दो। उस पर जब उसने नाक सीधी कराई अपनी, जरूरत नहीं थी, भगवान ने जोती थी ठीक थी, लेकिन 10 लाख रुपये पे जीएसटी लग कर आया, क्या आया, उसने कहा हार्ट की सर्जरी कराई जीएसटी नहीं लगाया, ये प्लास्टिक सर्जरी कराई नाक की जीएसटी लगा दे, कह रहा हाँ क्योंकि ये तूने शौक में कराई है, जरूरत तो थी नहीं, तेरी तो नाक ऐसी है, तेरे पापा की भी ऐसी है, तेरे दादा की भी ऐसी है, ये तो खानदानी थी तेरे को, तूने जानबूझ के कराई, तो उस पर जीएसटी लगाया। दोनों का बिल देख के वो ऊपर पहुंच गया स्वर्गवास, दोनों का बिल देख के स्वर्गवास हो गया। उसका बेटा रहता था लक्ष्मी नगर, कहाँ रहता था उसका बेटा, लक्ष्मी नगर में रहता था, पतली पतली गलियां 4th फ्लोर पे रहता था, ठीक है। पिताजी एक्सपायर हुए थे रात को 12 बजे, उसने कहा पापा कुछ देर यहीं आराम करो पापा कुछ देर यहीं आराम करो, घर पे लेके जाऊंगा लक्ष्मी नगर 4th फ्लोर पे, कैसे चढ़ाऊंगा पतली पतली गली छोटा सा मकान। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि यहीं पे रखो, डॉक्टर कह रहा लेके जाओ, इनके प्राण पखेड़ू निकल चुके हैं, आप लेके जाओ इसे, कह रहे नहीं भाई साहब मैं नहीं लेके जा रहा, तुम्हें जहां मर्जी रखना है रखो, अब ऐसा तो नहीं करेंगे डॉक्टर की बराबर में 4 पेशेंट और सो रहे थे तो डॉक्टर ने क्या बोला होगा कि चलो इससे बात कर लेना बराबर में 4 पेशेंट और, कह रहे नहीं नहीं भाई साहब इसे तो उसने कहा बेटे से कि अगर मैं इसे रखता हूँ तो इन पेशेंट के साथ नहीं छोड़ सकता, हमारे यहाँ पर एक होता है मोर्चरी, क्या होता है वहाँ पर मैं इसे रख लूँगा 6 घंटे के लिए, सुबह आके ले जाना इन्हें, लेकिन 20,000 रुपये लेंगे, क्या लेंगे। उसने कहा सर्विस किसे दे रहे, मुझे दे रहे पापा को दे रहे पापा को दे रहे पापा से लो। तो हॉस्पिटल वालों ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर हार्ट का ऑपरेशन कराया सर्विस इज एग्जेम्प्ट, नाक कराई सर्विस इज
टैक्सेबल। लेकिन अगर मुर्दे को ही समझा उसमें रखा मोर्चरी में, इससे क्या लेंगे पैसे? तो वो सर्विस किस में लिखी हुई है? तो सप्लाई तो है, सप्लाई तो है, लेकिन शेड्यूल थ्री में रख के एग्जेम्प्ट नहीं करा, उसे बोल दिया ना गुड्स है ना सर्विस है, तो जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर हो गई या नहीं? तो सबसेक्शन टू में क्या लिखा है गवर्नमेंट ने? सबसेक्शन टू में इस बात को लिखा है कि अगर हमारा बस चलेगा तो हम शेड्यूल थ्री में कुछ भी लिख देंगे, और जो चीज शेड्यूल थ्री में लिख गई, मजे आ गए या नहीं आ गए? मैं सोच रहा हूँ जिस दिन गवर्नमेंट लिखेगी केजे क्लासेस, जो भी क्लासेस देते हैं वो शेड्यूल थ्री में, ठीक है, मजा आ जाएगा। नहीं समझ आई कहानी या नहीं? बोलो। अब इन्होंने क्या लिखा बी पार्ट में, कहता है सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, या कोई एमसीडी करती है, इन विच दे आर एंगेज इन पब्लिक अथॉरिटी, जिसमें वो कैसे एंगेज होती है? पब्लिक अथॉरिटी में, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो अगर ऐसी कोई भी सर्विस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लोकल अथॉरिटी कर रही है, किस में कर रही है? पब्लिक अथॉरिटी में। जैसे नालियाँ साफ करा ली मान लो कि भाई ये तुम्हारा काम है, इसमें करना है, तो ऐसा मत करना कि तुम इस पर भी जीएसटी लगा दो, वो भी शेड्यूल थ्री में जाएगी। वो भी किस में जाएगी? सॉरी, शेड्यूल थ्री में नहीं जाएगी, वो भी ना तो गुड्स होगी ना सर्विस होगी। समझ आई? तो गुड्स और सर्विस से बचने के लिए या तो कोई चीज़ गवर्नमेंट शेड्यूल थ्री में लिख देगी, या ऐसी एक्टिविटी जो कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या लोकल अथॉरिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज़, कैसे कर रही है जी? पब्लिक अथॉरिटीज में, और उसे नोटिफाई कर दिया, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है या नहीं? अब लास्ट सबसेक्शन थ्री, इन्होंने पहले क्या बोला कि कोई चीज गुड्स है या सर्विस है वो कौन बताएगा? शेड्यूल टू कौन बताएगा? शेड्यूल टू। ऊपर पढ़कर आए ना, पढ़ाए ना वन ए में कि भाई आप शेड्यूल टू में चेक कर लेना। अब सारी आइटम शेड्यूल टू में लिखी है, ये जरूरी नहीं। सारी आइटम शेड्यूल टू में लिखी है, ये जरूरी नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हें चेक करना है कि ये गुड्स है या सर्विस है, शेड्यूल टू में जाना, लेकिन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन वन, वन ए एंड टू, द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन डेट आर टू बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विस। कह रहा अगर हमारा मन चला और हमने कहा नहीं नहीं भाई साहब इसे गुड्स ही मानो, ये सर्विस नहीं है, इसे क्या मानो? गुड्स मानो, ये सर्विस नहीं है, तो हम नोटिफाई कर देंगे। जैसे तुम सिम खरीद कर लाते हो, वोडाफोन की क्या खरीद कर लाए? सिम खरीद कर लाए, क्या लाए? गुड्स लाए, सर्विस। पहली बात ना, ये कहता है जीएसटी में बहुत कुछ नहीं होता, या तो कोई गुड्स होता है या सर्विस होता है, ठीक है? बताओ क्या है वो, गुड्स है सर्विस? कह रहे सिम, बिना सिम के लगा के चला दो तुम। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वैसे तो हम शेड्यूल टू में बताएंगे क्या चीज़ गुड्स है क्या चीज़ सर्विस, लेकिन अगर हमें लगा कि नहीं नहीं तुम्हें ये चीज़ ना सर्विस लग रही है लेकिन ये क्या है गुड्स है, तो हम नोटिफाई कर देंगे। और अगर हमें ये लगा ये सर्विस है तो हम उसे नोटिफाई कर देंगे। तो क्या लिखा है कि वैसे तो शेड्यूल टू चेक करना, लेकिन सबसेक्शन थ्री में गवर्नमेंट ने क्या रखी है अपने पास? स्पेशल पावर रखी है द ट्रांजेक्शन डेट आर ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस और वाइस वर्सा। समझ आ गया या नहीं? बोलो। हाँ, तो कुल मिलाकर सेक्शन सेवन क्लियर हुआ या नहीं? अभी हमारे दो शेड्यूल रहते हैं, कौन कौन से? शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री। शेड्यूल थ्री किस लिए पढ़ना है? अरे नहीं, शेड्यूल थ्री तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसमें कुछ भी लिखा होगा मुर्दे वाली बात, वो सप्लाई नहीं होगी, मोर्चरी वाली बात लिखी होगी, शमशान घाट वाली बात लिखी होगी, लिखी होगी या नहीं? और शेड्यूल टू किस लिए पढ़ना है? गुड्स है या सर्विस। शेड्यूल वन किस लिए पढ़ा था हमने? बोलो, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई है। अब इसमें और देख लेते हैं और क्या अमेंडमेंट आई है, ठीक है? इसमें और क्या अमेंडमेंट आई है? तो एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन बिटवीन ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर फॉर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है?
ठीक है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये इन्होंने सप्लाई में डाल दी, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये पहले ना शेड्यूल टू में लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी ये, तो शेड्यूल टू से इसे डिलीट कर दिया गया, ठीक है। शेड्यूल टू किसका था, ये बताने का था कि ये गुड्स है या सर्विस, लेकिन ये एंट्री ऐसे लिखी हुई थी लोग कन्फ्यूज हो जाते थे। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब इसे हटाओ यहाँ से, अगर तुम्हें इसे सप्लाई बनाना है तो किस में लिखो, सेक्शन 7(1) में एक नई क्लोज डाल के इन्होंने लिख दिया। और कहाँ से डिलीट कर दिया इसे, शेड्यूल टू से, कहाँ से, क्योंकि शेड्यूल टू का काम कुछ और ही होता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, अर्लियर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयर ऑफ कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसर्न वाज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। ये किस में लिखी थी, द सेड पैरा हैज बीन ओमिटेड, तो ये वाला पैरा इन्होंने यहाँ से हटा दिया। पहले किस में लिखी गई थी, शेड्यूल टू में लिखी गई थी, और वहाँ पर इसे क्या माना जाता था, बोलो, सप्लाई ऑफ गुड्स। वो कह रहा है यार ये तो शेड्यूल टू ही गड़बड़ कर रहे हो, शेड्यूल टू में लिखने का मतलब क्या होता है, या तो गुड्स हो गए सर्विस, ये बताओ, तुमने तो वहाँ पर लिखकर ये बता दिया कि ये सर्विस है या सप्लाई है, तो अगर तुम्हें सप्लाई बतानी है तो यहाँ से हटा के कहाँ डालो, बोलो, सेक्शन 7(1)(1) में डालो एक नई क्लोज इंसर्ट करके, ठीक है ना। तो ये वाली इन्होंने नीचे लिखा भी है, द इंटेंट ऑफ द अबव अमेंडमेंट इज पुट टू एंड एन एम्बिग्युटी, इससे लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, वेदर एक्टिविटी ट्रांजैक्शन, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई है या नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 7 में नहीं है वो सप्लाई है ही नहीं। जीएसटी ऑफिसर कहते थे शेड्यूल 2 में तो लिखा हुआ है, मैं कहता था शेड्यूल 2 किस लिए होता है, ये चेक करने के लिए नहीं होता कि सप्लाई है या नहीं है, सिर्फ ये चेक होता है कि गुड्स और सर्विस, ठीक है। तो द अमेंडमेंट ब्रिंग इन द सर्टेनिटी दैट एक्टिविटीज़ आर कवर्ड विन द स्कोप ऑफ सप्लाई, मैंने कहा अगर तुम चाहते हो कि ये सप्लाई में जाए तो इसे किस में डालो, सेक्शन 7, और वहाँ से क्या करो, डिलीट एंड एनश्योर द लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सच एक्टिविटी फर्दर एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन और इन्होंने ऐड करी, एन एक्सप्लेनेशन हैज़ ऑल्सो बीन इंसर्टेड इन 7(1)(AA) टू क्लैरिफाई डेट द फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द पर्सन एंड इट्स मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। पहले कहते थे हम तो एक ही, पहले ये लोग क्या कहते थे जो ये क्लब वगैरह बनाते थे, कहते थे सारे मेंबर मिलकर हम एक ही हो गए, तो मैं लग क्या कह रहे नहीं दो अलग अलग मानेंगे, कहते टू सेपरेट पर्सन माना जाएगा, कौन कौन से, एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इंटरसे शैल बी डीम टू हैव प्लेस 1% टू अनदर, क्योंकि पहले ही अपने आप को एक पर्सन मानते थे, गवर्नमेंट ने कहा एक नहीं मानो क्या मानो, क्योंकि सप्लाई देने के लिए दो आदमी होने चाहिए, है ना। ये कहते थे कि मैं तो कृष्ण और राधा है, ठीक है, हम तो एक ही है, सिर्फ जिस्म दो है आत्मा तो एक ही है, ठीक है। उसने कहा ये फिलोसफी बतलाओ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कह रहे नहीं, ठीक है ना। तुम्हें याद है ना एक बार कृष्ण जी ने राधा जी ने पूछा था कृष्ण जी से सवाल कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं करी, पता कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया था, कृष्ण जी बड़े हाईली टैलेंटेड इंसान, ठीक है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कह रहा शादी करने के लिए प्रिय दो आदमी चाहिए और तुम और मैं में दूसरा कौन है, हम तो एक ही है, ठीक है। ये वाली बात हर बॉयफ्रेंड को याद रखनी है, अगर तुम्हारी किसी से शादी नहीं हो तो बता देना प्रिय तुम और मैं तो एक ही मैंने रुक्मणी से शादी इसलिए करी क्योंकि दो है, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला यहाँ पर कि मेंबर्स और ये जो तुमने बनाया है ये दो अलग अलग है, ठीक है। द क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड्स अ नॉन ऑफ्टन क्लोज एज इट शैल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एनी कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स जजमेंट ऑर्डर ट्रिब्यूनल दिस 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 दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी लड़ाई थी, लोग बाग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। पहले यह था कि भाई ये व्यक्ति जो है ना म्यूचुअली एक ही है, एक ही व्यक्ति होते हैं, तो इस पर जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो अमेंडमेंट क्लियर हो गई, सेक्शन 7 क्लियर हो गया, शेड्यूल 1 क्लियर हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, शेड्यूल 2nd और 3rd। और अगर आपको फुल कोर्स की वीडियो हमारी चाहिए CA इंटर के लिए, CS इंटर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए या CWO के लिए, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।